जी हमारे पास क्वेश्चन क्या रखा है, फाइंड मोल्स ऑफ NH4Cl रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट MgOH OH2S फ्रॉम प्रेसिपिटेटिंग इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 0.02 मोल ऑफ NH3 एंड 0.001 मोल ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयंस। गिवन दे रखा है Kb की वैल्यू, दे रखा है NH3 का 10⁻⁴ और Ksp दे रखा है MgOH2 का 10⁻¹। ठीक है, तो जो हमारा MgOH2S एसोसिएट होकर हमें क्या देता है, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमारा एट इक्विलिब्रियम पे ये हमारा कितना होगा S और ये कितना होगा 2S। ठीक है, तो यहाँ से Ksp की वैल्यू निकालूंगा तो Ksp S इंटू 2S की पावर 2, यानी कितना हो जाएगा 4S। ठीक है, कितना आ जाएगा 4S। ठीक है, 4S² ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 4S² यानी कि हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा 4S, इसको लिख सकता हूँ 4S 4 2 2 जा 4। ठीक है, S² इंटू S। ठीक है, यहाँ से Ksp = कितना हो जाएगा Mg2 का पॉजिटिव का कंसंट्रेशन OH का 2 का कंसंट्रेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि जो हमारा OH का कंसंट्रेशन हो जाएगा, OH का कंसंट्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू Ksp / Mg का 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन रूट में इज इक्वल टू, अब क्योंकि Ksp की वैल्यू कितना देगा 10⁻¹⁰ / Mg, इसका दे रखा है 10⁻³ रूट में, ये रूट में कितना आ गया 10⁻⁸, जब रूट हटाएंगे तो आएगा 10⁻⁴। ये कितना है OH का कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन क्या कितना है 10⁻⁴ की 4 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आगे, ठीक है, अब आगे देखो जो हमारा POH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PkV + log SO2, ठीक है, SO2 बेस यानी कि NH4Cl / NH3 का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हमें ये कितना दे रखा 4 और PkV की वैल्यू दे रखा 5 + log, ठीक है, NH4Cl / NH3 का कंसंट्रेशन। ठीक है जी, अब आगे देखो उस साइड ले जाएंगे तो हमारा कितना -1 log NH4Cl का कंसंट्रेशन NH3 का कंसंट्रेशन। अब यहाँ से हम देखो -1 है तो इसको अगर लॉग दोनों साइड लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर लॉग -1 को कैसे लिख सकते हो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 10⁻¹ इज इक्वल टू log NH4Cl NH3 का कंसंट्रेशन। ठीक है, लॉग लॉग कट जाएगा, यहाँ से हमारा 0.1 = NH4Cl NH3 SO2 बेस का कंसंट्रेशन। ठीक है, कितना आ गया, कितना आ गया 0.1 आ गया इन दोनों का रेशियो। तो यानी जो हमारा मोल्स मोल्स ऑफ NH4Cl रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1 * कितना 0.02, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³। यही हमें निकालना था मोल्स ऑफ NH4Cl। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करता हूँ तो कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, बी के साथ, तो बी हो गया करेक्ट आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं,